हमीरपुर ज़िला को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के साथ टकराव की वजह से जो है वो विकास के मामले में खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज हमीरपुर ज़िला की पूर्ण रूप से अनदेखी हो रही है। स्थिति यह है कि विकास के सभी कार्य ठप पड़े हैं और अपनी पर्सनल खुन्नस की वजह से जो है वो हमीरपुर ज़िला के साथ प्रदेश सरकार जो है वो भेदभाव कर रही है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि कानून व्यवस्था की हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। आए दिन जो है वो हत्याएं हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, लेकिन इस हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि इस तरफ ये सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी वर्तमान प्रदेश सरकार की इस तरह की भेदभाव की नीति की कड़ी आलोचना करती है और मांग करती है कि हमीरपुर ज़िला के साथ इस तरह का भेदभाव ना किया जाए। और जिस तरह से ये कानून व्यवस्था की स्थिति ख़राब है, आए दिन जो हैं कभी कर्मचारियों की प्रताड़ना हो रही है, कर्मचारी आत्महत्याएं कर रहे हैं, कुछ अपने ऊपर मिट्टी का तेल फेंक रहे हैं, दबाव में लोग हैं, कर्मचारी दबाव में हैं, ये कैसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हेलीकॉप्टर से उतरिए और आम जनता के बीच जाइए और जनता की समस्याओं को समझिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ मोदी मोदी रटकर और सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेकर, दूसरे छदम राष्ट्रवाद का नाम लेकर जो है सिर्फ वोट की राजनीति के लिए आप अगर प्रदेश की जनता को समझते हैं तो ये जनता के साथ भी अन्याय है और जिस कुर्सी के ऊपर सत्तासीन आप हैं उसके साथ भी अन्याय आप कर रहे हैं।